लिखित इतिहास अगर आप देखना चाहें तो लिखित इतिहास भारत में अलेक्जेंडर के समय से शुरू हुआ। वजह ये रही कि ग्रीक से आए हुए लोग पत्थर के ऊपर काम करते और उनकी धारणा एक जीवन की है, किसी चाहे वो इस्लामपंथी हो या हमारे ईसाई हो या और बाकी के लोग हो, उनका एक ही जीवन का। तो इसलिए अगर एक ही जीवन का कॉन्सेप्ट है या एक ही जीवन की सोच है तो इस जीवन में जो हुआ वो लिखा जाना बड़ा जरूरी है। भारत ही एक जगह है जहां की ये बोला आता है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार माँ के पेट में सो जाते, पुनरपि जननी जठरे शयन। यह संसार है बहुत संसार, शब्द भी कितना प्यारा है, चक्के से संसार आता, संसरण जो करता है, रिपीट करता है आपको संसार, जो कि पुनरावृत करता अपने आप को। यह संसारे बहु दुस्तारे, यही तो चल रहा है दुनिया में, सुबह होती है शाम होती है और उम्र यूं ही तमाम होती है, तो यही तो चल रहा है। इसे देख लो, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। मुर्ग नाम के राक्षस को जो मार दिए थे कृष्ण, तो पार करो इसे। तो भारत की दृष्टिकोण ये है, इस जीवन में ये जो अंग हम देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है हमें, इसके बाहर भी कुछ है, यही एक संस्कृति है। तो सबसे पुरानी इतिहास जो लिखित मिलती है वो अलेक्जेंडर के समय की मिलती है। ग्रीक आए, पत्थरों पर लिखना शुरू किए, उस समय कौन रहे होंगे वहां पे? आचार्य चाणक्य थे तक्षशिला में, जो कि हमारा नहीं रहा, पाकिस्तान में चला गया, क्या करें। लेकिन वहां का एक ब्राह्मण, वहां का एक आचार्य चलता हुआ आता है, किसके पास चलता हुआ आता है? उस समय के 14 बड़े जनपद हुआ करते थे उत्तर भारत में, चलकर आता है धनानंद के पास, जो कि मगध का शासक हुआ करता, सबसे बड़े जनपद का शासक हुआ, और कहता है कि बचाओ, बाहरी आक्रमण हो रहा है। आक्रमण अगर हुआ तो आक्रांता पहला काम ये करते हैं कि उस संस्कृति की उपलब्धि को खत्म कर देते हैं, मिटा देते हैं उसे, अपना खोजते हैं। और बामुश्किल ये एक ऐसी संस्कृति हुई है, भारत एक ऐसी संस्कृति हुई है जहां की बुनियादी जरूरतों के ऊपर हम उठ पाए हैं। ब्रह्म विद्या भ्रमंति जत तत भारत, यानी कि रोटी कपड़ा मकान से हमने ऊपर उठा और हमने ये देखने की कोशिश की कि वही जो आप में हम में हर चीज में व्याप्त होता है, क्या हम उसका एहसास कर सकें? अगर हम उसे देखने लगेंगे तो आपको मुझसे अलग तो नहीं देखेंगे। ये विकास और कहीं नहीं हुआ। तो इस संस्कृति को बचाएं बड़ा बारीक है। एक शिक्षक चलता हुआ आता है पाकिस्तान से, किधर बिहार आता है चलता हुआ, और विनती करता है धनानंद, बचा लें। अगर एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है, अगर एक यवन आ जाता है, अगर एक बाहर का व्यक्ति आ जाता है अंदर, तो हमारी संस्कृति जो कि एक विकास के शिखर को छू रही है, जहां कि हम इस अंगों के बाहर की दिव्यता को देखने में सक्षम है ना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभीहस्तिनी तुमी सुपाक वचा पंडित समदर्शिना। जो विद्यावान होता है, विनय से संपन्न होता है, वो ब्राह्मण गाय हस्तिनी सुनी, यानी कि एक कुत्ते में और एक सुपाक जो कि मुर्दा को जलाता है, समदर्शिन एकता देख लेता है। ये क्या देखने की? वो दिव्यता देख लेता है, एक है जो कि सब कुछ बांध रहा है। ऐसी एक संस्कृति का नाश कर जाएगा वो। चलो धनानंद मदिरा में मस्त था, दिन के समय सूर्य की अपमान है, बिहार में तीनों ढंग के सूर्य को पूजा किया था, बड़ा अपमान है वो अपने। तो धनानंद बोला कि कहां तुम हिमालय के पास, कहां मैं यहां, मुझे क्यों फंसा रहे हो मेरी सीमाओं में तुम। तो आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि हिमालय से लेकर इंदू सागर तक, हिमालय ही हिंदू की, जो ये हिंदू कुछ है, हिंदुस्तान है, यहाँ की ब्रह्म विद्या भ्रमती है, वो पूरा भारत एक, और इसे बचाएं। फेंका गया और आचार्य चाणक्य ने क्या किया, सभा से बाहर फेंका उन्होंने, चुटिया पकड़ के उसकी, तो आचार्य चाणक्य ने खोल दी थी, बोला था कि जब तक भारत को एक सूत्र में ना बांधू तब तक अपनी चुटिया नहीं बांधूंगा। वापिस गए, क्या किया, एक गडेरिया बकरी चला रहा उठाए और बोल के आए थे धनानंद को,
कि आचार्य को तुम ऐसा वैसा ना समझो, समझो सृजन और मृत्यु दोनों इसके गोद में खेलते हैं। अगर मेरे शास्त्रों में ये क्षमता है तो मैं ऐसे कई सम्राट बना लूंगा जो कि मेरी और मेरे राष्ट्र की भरण पोषण। गया था वहां से गडेरिया उठा लिया था, क्या तैयारी करने की कोशिश। कहानी ऐसी बोलती कि अलेक्जेंडर घुसा चला आया और बिल्कुल एक चित्र बना हुआ होगा। अलेक्जेंडर का गुरु कौन था? अरस्तु, अरिस्टोटल। उसका गुरु कौन था? सुकरात। तो वहां के सबसे बुद्धिमान और अभी भी बुद्धिमान मानते हैं ना अरस्तु को, अलेक्जेंडर। अरस्तु बोल गया था कि हमने सुना है कि भारत के मुनि या ऋषि ये बड़े प्रभावशाली होते हैं, वो कुछ ऐसा जानते हैं जानने योग्य हो, जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम एक मुनि ऋषि साधु वहां से उठा लाना, पर ध्यान रखना का मापदंड ये है कि वो साधु जो तुम्हारे साथ आना ना चाहे सहजता से, वही मापदंड है। तो अलेक्जेंडर जैसे वो घुसता चला आ रहा था, शिक्षक ने बोला, खबर उसे उसे मिली कि पहाड़ के पास एक नंगा फकीर रहता। अलेक्जेंडर बोला चलो उसे ले आते। तो लाओ लश्कर के साथ बिल्कुल पहुंचा अलेक्जेंडर सामने, धूप सेकता हुआ, ठंड का मौसम है ना अभी भी, धूप सेकता हुआ। अलेक्जेंडर बोला सेनापति चलो यूनान चलो। फकीर हंसा, चुप रहा। फिर बोला गया चलो धन दिया जाए, धान दिया जाए, सारी सुविधाएं दी जाएंगी, राजकीय ठाट में ले जाएंगे, चलो। फकीर हंसता रहा। अलेक्जेंडर सामने नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ, बोला कि तुम्हें पता नहीं तुम किसके सामने खड़े हो? विश्व विजेता गंधर के सामने खड़े। फकीर ने उसे देखा और पूछा कहां चले आ रहे हो इधर? अलेक्जेंडर बोला दुनिया को जीतने निकला हूं, तुम क्या कर रहे हो? पूछा तुम दुनिया क्यों जीतना चाहते हो? अलेक्जेंडर बोला ताकि मैं अपना विस्तार कर सकूं, फिर बड़ा कर सकूं, यही तो। अलेक्जेंडर पूछा तुम क्या कर रहे हो यहां? फिर बोला कि मैं ना इस पूरे विश्व इस पूरे समष्टि के साथ एक होना चाहता हूं और अपने को ना कुछ कर लेना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू फील द एम्प्टीनेस ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स एंड बिकम वन विद इट। यानी कि खाली होकर वो अपने आप को बड़ा करना चाहता है, जबकि अलेक्जेंडर सब कुछ जीत कर खुद को बड़ा करना चाहता है। आगे की कहानी हमें पता है, जहां की आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इतना तैयार किया कि अलेक्जेंडर हर थका पिटा वापिस जाना शुरू किया और इतना कमजोर हो गया था कि रेगिस्तान पार करते करते तो ये समझ आ गया कि कमजोर पड़ गया है। मां के चक्कर में निकला था, सबसे अच्छे वैद्य लिया चलता। पूछा वैद्यों को और घुड़सवारों को इतना वक्त लगे। घुड़सवारों ने बोला कि 2 दिन। अलेक्जेंडर बोला पूरी ताकत लगा दो, कितना वक्त लगेगा? घुड़सवारों ने बोला 1 दिन, सबसे मजबूत घोड़े का लगा देंगे तो आपको पहुंचा देंगे। वैद्यों की तरफ देखा, बोला कि 1 दिन का समय दोगे? ना सुना। वैद्य चुप है। अलेक्जेंडर बोला अपनी आधी संपत्ति दूंगा। वैद्य चुप है। अलेक्जेंडर बोला अपनी संपत्ति। चुप रहे। अलेक्जेंडर हंसा और बोला कि 3 इच्छाएं मेरी आखिरी। पहली इच्छा कि जब मैं मरूं तो मेरे ताबूत के बाहर मेरे दोनों हाथ रखें, ये बताने के लिए जिसे आप विश्व विजेता अलेक्जेंडर बोलते हो वो भिखारी की मौत मरे और वो नंगा फकीर सही बोलता। पहली बात। दूसरी बात कि इसे उठा के जो ले जाएंगे ये सारे के सारे मेरे वैद्य होंगे। बड़ा गर्व था मुझे, इन अंगों को मैं बचा ले जाऊंगा क्योंकि मेरे पास सबसे सबसे बुद्धिमान वैद्य, सबसे क्षमतावान वैद्य। पर ये बेकार, ये मुझे उठा के। तीसरा, मैं जो सोच रहा था कि पूरे विश्व को जीत लूंगा, मुझे ऐसे जगह गाड़ देना जहां की नामो निशान ना हो। और इस तरफ 40 साल का चंद्रगुप्त पूरे भारत वर्ष को एक सूत्र में बांधकर जैन मुनि बन गया। 40 साल का इधर चंद्रगुप्त, उधर
25-26-27 साल का अलेक्जेंडर, एक जिसे हम विश्व विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं, भिखारी की मौत मरता है, और एक सम्राट, वो सब कुछ होता हुआ जवानी में किसी और चीज की खोज में चला जाता। कौन सी वो चीज थी, कौन सी वो दिव्यता थी? और इधर आचार्य चाणक्य चले जाते हैं वापिस तक्षशिला, जहां की वो पंचतंत्र लिखते हैं। तो भारत की दृष्टिकोण तो रही होगी जहां की एक फकीर और एक सम्राट दोनों उसी चीज की खोज में चले जाते हैं जो कि दिव्य है। ये हमारी दृष्टिकोण है। तो इसी ढांचे में अगर समझा जाए तो शायद हम दिव्यता दो विचारधाराओं की बात करें, खाली और एक फुल भरा हुआ, जीत खाली हुई, खाली की हुई।